then we have to more enough space to work our daily routine in efficiently. If it's अगर आप प्रायोरिटी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी ऑफ वर्क, कौन सी वर्क पहले करनी है उस पर डिस्कस होना चाहिए कि हम जो इम्पोर्टेंस है उसको देते हुए उसको कंप्लीट करना. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ऐसा नहीं कि वर्क ये है, ढेर सारे वर्क्स है तो ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें. अगला है एनालाइजिंग में डोंट वेस्ट यूजलेस एक्टिविटीज लाइक डोंट वेस्ट आवर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज लाइक सोशल साइट, व्हाट्सएप एंड एक्सेट्रा. क्या होता है, हम लोग जब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो देन क्या होता है कि हम लोग उसमें एकदम रम जाते हैं, यूज करते जाते हैं, इंजॉय करते हैं, बट हमारा टाइम तो लैप्स हो रहा है ना वहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करना वो एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फंडा है, क्योंकि हमें वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है. देन प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम, प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम मीन्स कि अपने जो टाइम जो यूटिलाइज कहीं पर स्पेंड कर रहे हैं उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाए. अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए तो इसको जो भी सीख रहे हैं उसको प्रोडक्टिव तरीके से सीख रहे हैं, ताकि जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है एवरी टाइम लर्निंग एक्टिविटी करके सीखना चाहिए कोई चीज, तो ये यहाँ पे प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम. ब्लॉक योर डिस्ट्रैक्शंस, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें हमारी जरूरत नहीं है, हम मीटिंग में फोन स्विच ऑफ करना चाहिए, वैसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए जो ज़्यादा टाइम आपका अपना इंपॉर्टेंट टाइम.